ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। गैंग पकड़ा है सबसे? ये एक इंटरस्टेट गैंग है ऑफ कार रॉबर्स, हाईवे कार जैकर्स। दो मेंबर्स अपा भवानीगढ़ तो फड़े हैं। इनकी बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये होती थी कि ये हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं, मॉल्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर मास्टर की लगा के ये गाड़ी चोरी करते थे। हरियाणा के कुछ मेंबर्स हैं इनके गैंग के जिनको ये गाड़ी आगे देते थे, वो डेंटिंग पेंटिंग इंजन चेसी नंबर चेंज करके। फिर दिल्ली में इन्हीं के गैंग मेंबर्स हैं जो उनके जाली इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और आगे उनका संपर्क होता था जो सेकंड हैंड व्हीकल्स जो खरीदते हैं, सेल परचेज करते हैं। तो दो मेंबर्स पकड़े गए हैं, कुल 11 व्हीकल्स इनसे बरामद हुई हैं और पिछले 3 साल से ये एक्टिव थे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में। और 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ ये इंटरोगेशन में ये आया है कि चोरी कर चुके हैं। सर, 150 गाड़ियाँ चोरी की हैं, कितने समय में की हैं? ये 3 साल से एक्टिव थे। इन पे ये जो दो पकड़े हैं, इन पे तो पहले भी पर्चे हैं, एक्साइज के, एक्साइज का भी है इन पे पर्चा, लुटखो के पहले भी पर्चे हैं। दोनों गिरफ्तार किए गए। पूरे गैंग में बताया होगा कि कोई 7-8 मेंबर्स हैं गैंग के। इनका काम तो होता था कि ये रेकी करके गाड़ी को चोरी करते थे, फिर ये आगे हरियाणा के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको देते थे। उसको कितना बड़ा लग रहा है हाईवे रॉबर जो हैं? ये तो एक तरह से लोकल पुलिस की अचीवमेंट ही है कि हाईवे पे अब चोरियाँ थोड़ी उन पर कंट्रोल होगा। मतलब कितना बड़ा गैंग हो सकता है आपके हिसाब से? 150 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। 150 गाड़ियाँ तो यही बता रहे हैं अब, जो दिल्ली वाले हैं जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं उनके साथ औरों की तार हो सकती है जुड़ी हुई। तो कहाँ से पकड़े गए सर, कैसे इंफॉर्मेशन? ये तो इन्फॉर्मेशन बेस था और भवानीगढ़ में पकड़े गए। अभी वो दिल्ली वालों तक या हरियाणा वाले के जो वो आइडेंटिफाइड हैं, दिल्ली वाले भी आइडेंटिफाइड हैं। 3-4 बंदे दिल्ली के हैं, 3-4 ही जो हैं वो हरियाणा के हैं। कुछ कबाड़िए हैं जिनकी वर्कशॉप्स में ये डेंटिंग पेंटिंग करते थे, सब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, टीम्स बन चुकी हैं और रवाना भी हो गई हैं इनको पकड़ने के लिए। गाड़ी जब चोरी कर लेते थे उसके बाद उसकी मतलब कि सब कुछ चेंज कर देते थे। पंजाब से चोरी करनी, हरियाणा में भेज देनी, हरियाणा में चोरी करनी, चंडीगढ़ में भेज देनी, चंडीगढ़ में चोरी करनी, दिल्ली में भेज देनी, एक स्टेट में चोरी करके उस स्टेट में नहीं भेजते थे, आसपास वाले स्टेट में भेजते थे। अभी तक इन्होंने मतलब कितने स्टेट में बताया कि कहाँ? 4 स्टेट्स तो आइडेंटिफाई हो गई।